दरभंगा के सबसे चर्चित हत्याकांड में 11 दिन बाद दरभंगा पहुंचे मंत्री देर रात जीएम रोड कांड के पीड़ित परिवार से मिले मंत्री जीवेश कुमार। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री जीवेश कुमार ने। कर्मी करेंगे सब हो, लेकिन जो यहाँ खड़े हमारे साथीगण हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बांधव गण हैं, आज से इस परिवार को आप लोग मिलकर बोल रहे हैं। अगर हमको बोल रहे हैं कि कोई आदमी वीडियो वीडियो मत बनाए, हमको अपनी बात कहने दीजिए। ये बहुत विभत्स घटना है, मिथिला में दरभंगा में इस प्रकार की घटना घट जाए, यह पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और कहीं न कहीं इस घटना से बहुत पीड़ा हुआ है, बहुत पीड़ित हैं हम सभी लोग। और आज हम पीड़ित परिवार को यहाँ मिलने आए थे। सरकारी स्तर पर जो भी नियमानुकूल मदद होगा, इस पीड़ित परिवार को सरकार के माध्यम से की जाएगी। और कहीं न कहीं पूरे इलाज की जवाबदारी हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ आकर मिल करके गए हैं, और पीड़ित परिवार के इलाज की समुचित व्यवस्था उन्होंने किया है। पूरा काम ड्रेसिंग का घर पे आके हॉस्पिटल से लोग कर रहे हैं, और जितने सारे इनके कुछ डिमांड है उस सभी बिंदु पर सरकार नियम संगत जो भी कार्रवाई होगा जरूर करेगी। और प्रशासन, जिला प्रशासन जो दोषी है, मुझे मालूम चला है कि 9-10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पीड़ित परिवार को हर हालत में न्याय मिलेगा, और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो इसकी पूरी चिंता भी सरकार कर रही है। मत करिए, कानून बनाएंगे नहीं, कानून बना चुके हैं। और उसकी हर जगह जो हमारे माननीय मंत्री हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए चिंतित हैं, बिहार की सरकार भी चिंतित है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने कानून क्या बनाना है पूरा पूरा इसका उपचार कर दिया है, और आने वाले दिनों में भू माफिया पर नकेल अपने आप कस जाएगी। जमीन जिसका रहेगा उसी का जमीन रहेगा, इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार करने जा रही है। ऐप के माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, और जो अभी आप जरा अध्ययन करेंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो इसको लॉन्च किया है किस प्रकार आगे काम करेंगे, तो हम समझते हैं कि ये जो भूमि विवाद की समस्या है, अगर आप कुल मिला करके देखिए तो बिहार के अंदर थाने में 70% केस भूमि का है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज केस क्राइम बिहार में है ही नहीं। अगर आप देख लीजिए नेशनल क्राइम रिपोर्ट, तो ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है, ये केवल भूमि विवाद में ही क्राइम हो रहा है। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, विभागीय मंत्री भी चिंतित हैं, और उसकी मुकम्मल व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर हालत में भूमि विवाद से उत्पन्न जो समस्या है उस पर सरकार अगले 1-2 साल में नियंत्रण पा ले। सांसद जी ने सीबीआई जांच की मांग की है कि इसमें काफी हाई प्रोफाइल लोगों की हो सकती है। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने पुलिस प्रशासन को लगातार फोन करता रहा, पुलिस प्रशासन समय पर नहीं आई। अगर पुलिस समय पर आती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। सीधा सीधा जिम्मेवार आप इसमें किसे मानते हैं? देखिए, इसमें पुलिस अधिकारी हो या इस घटना में ढिलाई बरतने वाले कोई व्यक्ति हो, या फिर मैं कहता हूँ जो दोषी है, सबकी जांच हो रही है। जिनके ऊपर दोष, जड़ा भी दोष जिनका दिखेगा, वो बक्से नहीं जाएंगे। न्याय देना सुशासन की सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम हर हालत में पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देंगे, इसकी चिंता बिहार की सरकार कर। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। Get ready for the